ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਿਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ और वहाँ पे इस दरियाए सतलुज का पुल है और वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि वहाँ पे आर्मी की काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। तो ये जो ओपी है ये इंडिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं दरियाए सतलुज पर मौजूद हूँ और ये जो दरिया है ये इंडिया से आता है, पाकिस्तान में ये शाम इधर इंटर होता है। अभी मैं दिखाता हूँ कि वो जो सामने आपको यहाँ पे टावर नज़र आ रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो वो है जी इंडिया के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। और वहाँ पे इस दरियाए सतलुज का पुल है और वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि वहाँ पे आर्मी की काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। तो ये जो ओपी है ये इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद ये जितना भी और वहाँ पे दरियाए सतलुज का पुल है और वहाँ से इंडिया जब जैसे ही बारिश आती है तो ये सारा पानी इस तरफ छोड़ देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात दरअसल ये है कि अभी हम आए हुए हैं दरियाए सतलुज पे और आपको ये दिखाने के लिए कि जैसे ही यहाँ पे बारिशें शुरू होती हैं पाकिस्तान इंडिया में, तो इंडिया जितना भी पानी है वो पाकिस्तान में छोड़ देता है और यहाँ के किनारे रह रहे हैं उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो अभी हम ये सामने आपको बेड़ी नज़र आ रही है, तो इंशाल्लाह इस पे बेड़ी पे भी हम बैठेंगे और आपको पूरा ये जो दरिया है इसका विज़िट करवाएँगे, ठीक है दोस्तों। डरदी पानी तो है ना, पानी तो नहीं डरदी। इधर मुंह कर लो ना घोड़ी का, तो दोस्तों अभी हम बेड़ी में बैठ चुके हैं और बेड़ी जो है वो बिल्कुल दरियाए सतलुज के दरमियान में आ चुकी है। और यहाँ पे ये बेड़ी वाले क्या काम करते हैं कि यहाँ से लोगों को और दूसरी चीज़ों को एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ लेके जाते हैं और इनका डिफरेंट रेट्स होते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल जो है वो 100 रुपया इसका रेट है और उसके अलावा जो कार वगैरह हो तो उसका 200 रुपया लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह इन लोगों का रोज़गार चल रहा है। जब थोड़ा पानी होता है तो इनका रेट कम होता है, जब ज़्यादा पानी होता है तो ये इनका किराया ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों इस दरिया में पानी जो है वो काफ़ी कम होता है, एक नहर जितना पानी होता है, लेकिन जैसे ही मानसून शुरू होता है तो इंडिया वाले यहाँ पे पानी छोड़ देते हैं और इसका पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं वो पानी में डूब जाते हैं। थोड़ा इधर देखा जे भाई जान, इतों के मकामी जे बारिश दा पानी है या इंडिया ने छड्या बारिश का इतना किदो आ गया सही हो गया नहीं बारिश काफी हुई है ना बारिश का ये लेकिन बारिश का नहीं होंगे अगे जेड़ा पानी आया ना उस नालों ज्यादा है पिया। अच्छा अच्छा हाँ। अगे थोड़ा होंदा अगे थोड़ा आया सही हो गया ठीक है। ते नक्स... भाई जेडी वाई है ना नहीं बुढ़ी उथे पानी इस टाइम चढ़ गई है नहीं ते नुकसान नुकसान भी है पानी करदा या बचत हो जांदी ए बड़ा नुकसान करदा है। मतलब किस तरह का नुकसान ए जेडी वाई है उसी पक्की हुई हां जी सारी खत्म कर देसे मतलब कि जिन्नी भी फसल बीजी जिन्नी फसल खलोते से खत्म हो जासे केडी फसल इथे लोगा ने बीजी होई सी जिंदा इथे है पिया तेलन पे अच्छा रवा है मुंगी है गुआरा है जंतर है ठीक है दूसरा हो थोड़ा खुदा भला करे जुआर है सब्जियां इन पिया ए जे चीजा इन पिया सारे दा सफाया करता सारे सफाई बाकी नरमा जेड़ा उच्चा खलोता है
पानी जिम्मे हूं आमदा पे हो रहा जा गया तो नरमे ने पै जाए। अच्छा वैसे हूं ज्यादा भी पानी आमदा कहते ने खतरा है। हाँ पानी तो खतरा है पी आ असल ते मसला है कि जिन्ना इंडिया च पानी वाद हुंदा सारा इधर सारा इधर आंदा है। आहो ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा लैते सौ कदक सफाई कर देंदा सफाई कर देंदा। बाबा जी की हाल है? अच्छा अच्छा जी खादर से जगी बाबा जी थोड़िया इतने केड़िया फसल जेडिया बीजिया हुई इस टाइम या जानवर ही रखे या जानवर रखे हुए जे जानवर रखे हुए ने जानवर रखे मटियाना कर। अच्छा अच्छा काफी नुकसान होया मसरू तो नुकसान काफी हो गया है। यहाँ पे इस वक्त आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए तो उस तरफ जाने की हमें परमिशन नहीं है। वो दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। ये सारा जो एरिया ये गैर ममनू है। यहाँ पे सिर्फ आर्मी के लोग ही जा सकते हैं। और यहाँ पे आ रही है जी ये कश्ती और ये बेड़ी कह लें या इसको कश्ती कह लें इसके ऊपर मोटरसाइकिल है और उस इलाके के जो लोग हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। बेसिकली इंडिया जो है वो जो आपको टावर नज़र आ रहा है उसके बाद वो जो दरख्त नज़र आ रहे हैं वो बॉर्डर का एरिया इंडिया सारा जो है वो इस तरफ है और इस तरफ जो है वो पाकिस्तान का इलाका बाढ़ इस तरफ से जाती है इस तरह और कुछ हिस्सा इस तरफ पाकिस्तान का है और कुछ हिस्सा उस तरफ पाकिस्तान का और ये बेड़ी आ रही है। बाबा जी अगे तो थोड़ा जा पानी नहीं सी होंदा ये तमाम सूखा ही पे। अच्छा दो तीन महीने सूखा रे आया हुन आया पानी हुन दोबारा पानी आया ते इथे किन्ना क पानी है अगे नालो किन्ना क ज्यादा पानी पर अगे नाल तो हलते कोई नहीं तब अगले हिस्से दे खड़ा। अच्छा अगले हिस्से ची अगले हिस्से जे अगे होत गया है ना। हां ते किन्ने दिन पहला इना पानी आया? ब पांच चार दिन पहला आया ते मुड़ तू तीन चार दिन ए बाबा बारिश दा पानी है या कोई इंडिया ने उधर छड्या? इंडिया ने छड़ा है ते ए कोई इथे नुकसान नुकसान भी हुंदा या बस हाल तक तो कोई नहीं होया ते अल्लाह को पता होया। अच्छा अच्छा इस तो ज्यादा आ गया तो नुकसान कर सी फसलों दा हाल तक कोई नहीं। बाबा जी मकामी हो इथे दे? हां जी साऊ कह दे साऊ कह दे। तो यहां पे दोस्तों इस भाई ने सबील लगाई हुई है तो पानी दे रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इतनी गर्मी में और यहाँ पे दरिया के किनारे पे बिल्कुल भाई ने यहाँ पे ड्रम और यहाँ पे स्कंजवी बनाई हुई है और ये दोस्तों को दे रहा है जो भी ये बेड़ी के जरिए इस तरफ आते हैं या जो इस तरफ के इलाके वाले हैं इस तरफ जा रहे हैं उनको भाई जान ये पानी पिला रहे हैं। भाई जान पियोगे? चलो मेरी भी वीडियो बना उतरे आई जे वीडियो बना सकते दोस्तों तुम देख रहे हो के मास्टर साहब पानी पी रहे ने माशाल्लाह चकाचक सगिंटा जो ने पूरा डोंगा किलो वाला मका दिता क्योंकि बड़ी देर दे सी टुरे होए हैं ते सफ़र काफ़ी सी ते पानी राज किते भी नहीं हैगा तो इत्थे माशाल्लाह भाई ने सबील लाई है मिठा पानी शिकंजवी है बड़ी अच्छी बेहतरीन बनी हुई है सवाब की खातर ते लोग इत्थों बहुत माशाल्लाह पानी पी रहे ने क्योंकि इत्थे और लिवे तिवे पानी नहीं हैगा। मास्टर साहब और माशाल्लाह मजा आ गया इन्नी गर्मी दे विच ते दूर दूर तक कोई बंदा बशर नहीं हैगा ते बड़ी अच्छी जगह ते जिन्हें भी लाई है बड़ी अच्छी जगह ते मतलब के सबील लाई हुई बाकी सड़कां ते हर कोई सबील ला लैंदा ठीक है वराने च जिथे यानी के कुछ लोग जेडे दूर दे सफर करके गए हुंदे ने उन्हां वास्ते सबील लानी चाहीदी ते सड़कां ते वैसे भी बहुत ज्यादा लगी होंगी। बिलकुल सही लगेगा। अच्छा अच्छा तो दोस्तों इधर देखें ये कितना ज्यादा पानी है ये बहुत ही ज्यादा पानी है यहाँ पे और यहाँ के मकामी लोग अभी इनसे मैंने बात की है तो वो कह रहे हैं कि काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो इधर फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी ऊंची जगह यहाँ पे पानी नहीं पहुंचा और यहाँ पे जानवर जो है वो चर रहे हैं और इस तरफ जानवर चरने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे जानवर नहा रहे हैं और इनके मालिक जो है इनको यहाँ पे नहला रहे हैं और ये देखें यहाँ पे चर रहे हैं। तो दोस्तों
ये देखें दरियाए सतलुज की जो सूरत हाल है कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा पानी छोड़ा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है, बहुत सारा प्यार। दोस्तों वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी इजाज़त लेने का वक्त है, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।